देल देसी मालवा और राजपुतना रमणिक शहर उज्जैन देश मालवा राजपुताना एक रमणिक शहर उज्जैन हुआ और किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ राजा गंधर्व सेन जो इंद्र महाराज के पुत्री एक समय का जिक्र है। अप्सराएं नाच गान कर रही थी इंद्र महाराज के दरबार में, गलती से उनके लड़के चले जाते हैं तो अपने लड़के को श्राप दे दिया इंद्र भगवान ने कि जाओ तुम तो गधे के समान हो, बाकी अपना जीवन यापन कहां मृतलोक में करोगे। एक कुमार के घर जन्म लिया, तब उसका नाम गंधर्व सेन पड़ा और लोगों को गंधर्व सेन कैसा न्याकारी राजा हुआ, कैसा प्रतापी राजा हुआ, क्या बताया। उसी घाट पे बकरी पानी, उसी घाट पे बकरी पानी, उसी पे शेर पिया करता शीलवान पनम दे रानी, जिसका नार पति वरता बड़े बेटे उये भरतरी, दुनिया में चक्कर फिरता एक मैना मनती कन्या रजाई, रूप न देख चांद डरता मैना मनती कन्या रजाई, रूप न देख चांद डरता छोटा जिसका नाम विक्रम। कैसे आगे बताया हवाला, मैना मनती कन्या रजनमी दिन दिन कला सवाई थी, तारा नगरी में पदम सैन के जिसकी हुई सगाई थी, वेद विधि और धूम धाम से मना मनती आई थी, जेठे बेटे जेठे बेटे गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई थी, जेठे बेटे गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई थी, जेठे बेटे गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई थी। और इतना अरसा बीत भूप के, इतना अरसा बीत भूप के, फिर बीमारी का फैल हुआ
माता पद्म सेन से हुई, जिसके एक बेटा हुआ जिसका नाम गोपीचंद और जिसके एक लड़की हुई जिसका नाम चंद्रावल। समय बीतता चला जाता है लोगों, राजा गंडरव सेन के बीमारी, एक बीमारी कायम हो जाती है और राजा गंडरव सेन काल कर जाते हैं। और जब काल करिया, जब 6 साल का था कौन राजा गंडरव सेन, कौन वो विक्रमा 6 साल का था जब गंडरव सेन ने काल किया, आगे क्या हुआ क्या बता दिया पंडित मांगीराम जी ने। जब 6 साल का हुआ विक्रमा, 6 साल का हुआ विक्रमा, वो राजा का स्वर्गवास हुआ, बड़ा बेटा भूप भरतरी सब विद्या में पास हुआ। और नारद जी ने कथा सुना दई, राजपाट में चास हुआ, पिंगला रानी जिसके घर में आने ते सत्यानाश हुआ, पिंगला रानी जिसके घर में आने ते सत्यानाश हुआ, पिंगला रानी आई घर में आने ते सत्यानाश हुआ। और मांगे राम हरि भक्ति में, मांगे राम हरि भक्ति में, वो दिन प्रतिदिन रैन हुआ, मांगे राम हरि भक्ति में दिन प्रतिदिन रैन हुआ। और किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। राजा भर्तृहरि की शादी हो जाती है रानी पिंगला के साथ, रानी पिंगला का आगमन घर में हो गया। लोगों समय बीतता चला जाता है। एक रोज ये बताते हैं कि राजा भर्तृहरि और गुरु गोरखनाथ संस्कृत श्लोक आपस में चल रहे थे राज दरबार में। और जब राज दरबार में संस्कृत श्लोक चल रहे थे तो अचानक राजा भर्तृहरि को पिंगला की याद आ जाती है, खड़े होकर के चल दिए। जब गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बोले महाराज श्लोक का सही समय तो अब आया है। बोला नहीं महाराज, अब मेरे रानी पिंगला याद आ गई। जब राज दरबार को छोड़ करके गए तो गुरु गोरखनाथ ने विचार किया कि जब राजा का मोह इतना अब है तो अंत तक तो पता नहीं क्या होगा, क्यों ना ये मोह भंग करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि वही गुरु गोरखनाथ, ये शास्त्र बताते हैं, घोड़ों का घुड़पाल सही है इसका बेस। और राजा भर्तृहरि के यहां भर्ती हो जाते हैं। समय बीतता चला गया। एक रोज वो सही जब महल के झरोके से निकलिया तो रानी पिंगला महल के झरोके में बैठी हुई थी, देखा तो रानी पिंगला उस सैयद से कहने लगी, आपका इशारा करती है, झाला करती है, अपना जो नोलड़हार था वो उस सैयद के ऊपर डाल दिया। और जब सैयद ऊपर गया राजमहल में तो पिंगला ने कहने लगी, रे सैयद, सैयद बेचारा हाथ जोड़े थर थर कांपने लाग रहा। नवला महारानी कैसे याद किया, नवला महारानी मौरानी मत ना गए और बैठ जाए यहां, मैं कितने दिनों से कितनी देर से तेरी बाट देखती थी। क्या कहती है रानी पिंगला, अपना संयम खो जाती है और क्या कहने लगी, अरे ओ सैयस, जी महारानी कैसे याद किया मुझे, आइए मैं कितने दिनों से तेरा इंतजार कर रही थी। महारानी मैं तो आपका नौकर हूँ, जब चाहो जब बुला लो, पर आज ऐसी क्या
ये नौकर चाकर की बात छोड़ी और जो मैं कहती हूँ ना वैसा कर। किस तरह बतला रही हो, आपके ख्याल बदल गया आज तो? नहीं, आप ये नौकर वाला ख्याल छोड़ दो और जैसे मैं कह रही हूँ, मैं इस राज की जो राज डोर है मेरे हाथ में, तू कहेगा ना जो कर दूंगी मैं, लेकिन मेरी बात नहीं। महारानी जय राजा भर्तरी ने पता चल गया तो मेरे कोलू बच्चा। अरे किस राजा भर्तरी की बात करती है तू? राजा भर्तरी की तो मैं जानू, मेरी बात सुने। कहिए महारानी।